साथियों नमस्कार, मैं मूर्ति कुबो बिजनेस मुख का साथी। विश्वास है कि आप सब कुशल खुश और स्वस्थ होंगे। एमडी साहब ने आगे समाचार दिया है अपने ऑडियो मैसेज में। उन्होंने कहा है कि अब 15 दिन बच गए हैं हमारे 31 मार्च को, जो हमने 15 अक्टूबर 2021 को जब लॉन्च हुआ तो समय से कहते आए हैं कि 31 मार्च तक जो है वो माइनिंग होगा, ज्वाइनिंग होगा और उसके बाद जो है बंद हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वो बहुत जल्द ही जो है हमारे जो वैलेट में कॉइन्स हैं उसको जो एक्सचेंज में डाल देंगे, ताकि हर कोई जो है उसका ट्रेडिंग कर सके और एक्सपर्ट बन सके। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं अपने कूपन्स को रिचार्ज कर लें, रिडीम कर लें, और 21 अप्रैल का जो दिया गया है डेट उसके अंदर ही जो है आप लोग अपना कूपन को रिचार्ज कर लें, और कोई कूपन ना बचाएं और ना ही किसी को नुकसान हो। उन्होंने ये भी कहा है कि साथ ही उन्होंने आगे इस बात को भी जाहिर किया है कि अभी जिनके पास भी MPP कूपन बचे हुए हैं वो MPP कूपन जो है उन्होंने साधारण कूपन में बदल दिया है, और कोई भी सदस्य जो है उस MPP कूपन को SV कूपन के रूप में यूज़ कर सकता है और किसी को भी उसमें ज्वाइन कर सकता है। कि उन्होंने आगे कहा है कि अगर KYC नहीं हो पाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड का जो एंट्री नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो जो है कभी बर्न नहीं होता है, और आपके जो पॉइंट्स हैं कभी बर्न नहीं होंगे, कभी भी आपको इसका नुकसान नहीं होगा। 100 साल तक जिंदा रहेगा, 100 साल तक आपके कॉइन जो है वैसे के वैसे रहेंगे जैसे अभी है। बाकी आपको जो है जब भी मौका मिलेगा अपना KYC कर लीजिएगा, और अगर KYC करते वक्त करने में या पैन कार्ड आधार कार्ड बनाने के मामले में अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो MDS साहब उसके लिए पूरी तरह आगे आ चुके हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं। वो कई एक फ़ोन नंबर देंगे आपको, उन फ़ोन नंबर्स का जो है कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा, और आपको जो है हमेशा वो सहायता करते रहेंगे। साथियों आगे उन्होंने कहा है कि जो नए लोग हैं उनको KYC जो है नहीं कराया गया है अपने सीनियर द्वारा, तो गलती सीनियर की है, क्योंकि वो हमेशा ही कहते रहेंगे KYC करना ज़रूरी है, और अगर नहीं कराया गया है तो वो सीनियर की गलती है। साथियों मैं हमेशा ही आप लोगों से कहता रहा हूँ कि KYC जो है कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, मैंने कभी भी इसमें कहने में कमी नहीं किया है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं MD साहब से, वो जो है अलग एक व्यक्ति को उसके लिए नियुक्त करेंगे जो ऑडिटर हैं, और उनको अगर आप अपना विवरण दे देते हैं तो वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बना देंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 23 मई के बाद भी जब हमारा ट्रेडिंग एक्सचेंज लाइव हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा, अगर वो 1 साल 2 साल 10 साल के बाद भी अपना आधार कार्ड बनाता है, KYC करता है, पैन कार्ड डालता है, तो उसका जो एक भी कॉइन कहीं भी नहीं जाएगा, पूरा पूरा उसके वैलेट में रहेगा, और किसी भी तरह का नुकसान उसको नहीं होगा। तो साथियों आइए हम जल्द से जल्द जो है KYC कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों उन्होंने कहा है कि 500 के बदले जो 7 कॉइन मिलेंगे जेंट्स को और माइनिट्स में, और लेडीज़ को जो है 9 कॉइन मिलेंगे, उसका जो है 0.25 हर साल रिलीज होता रहेगा आपको। और आज जो है
ट्रेडिंग के रेट के अनुसार देखा जाए तो कॉइन के रेट 1500 रुपया है, तो लगभग यहाँ पे जो है आपको 500 के बदले 10,500 रुपये तक आपको यहाँ पे इनकम हो जाता है, और वो जो है आपको 0.25 के हिसाब से हर साल रिलीज होता रहेगा और सेलेबल में जाएगा, जहाँ से आप उसको बेच सकते, ट्रेडिंग में बेच सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा साथियों कि जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, वो कहीं ज़बरदस्ती नहीं है। किसी ज्वाइन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है उसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। साथियों उन्होंने आगे कहा है कि माई नीड्स में जो 500 के बदले 500 रुपये के बदले 7 कॉइन दे रहे हैं और लेडीज़ को 9 कॉइन दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जेंट्स को जो 7 कॉइन दिया जा रहा है उसमें 1 कॉइन जो है 3 साल बाद रिलीज कर देंगे, और लेडीज़ को जो है 9 कॉइन जो दिया जा रहा है उसमें 1 कॉइन रिलीज कर देंगे, 8 कॉइन बचेगा। किस प्रकार से जेंट्स के पास 6 कॉइन बचेंगे और लेडीज़ के पास 8 कॉइन बचेंगे, और वो 8 कॉइन जो है या 7 कॉइन कह लीजिए अगले 100 साल तक वो आपके काम आते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई ज़बरदस्ती करता है ये जो प्रोजेक्ट सारे उसमें ज्वाइन करने के लिए, तो उसका जो है समाचार उनको दें, तो वो मई के बाद जो है काउंटर खोलने वाले हैं, उस काउंटर में जो है ऐसे कंपनीज को जो है एंटरटेन करेंगे और उचित कार्रवाई जो है जो व्यक्ति जो है इस प्रकार से कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, उसके प्रति उचित कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोई समस्या है पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, KYC का, वो उनको बताएं MD साहब को, तो ज़रूर उसका जो है समाधान ढूंढेंगे, उनकी सहायता करेंगे और उनके कॉइन्स को जो है किसी भी ना किसी तरह से उनको हासिल हो, इस प्रकार का जो है वो काम करेंगे। क्योंकि KYC करने में कोई दिक्कत है तो आधार कार्ड बनाने में कोई दिक्कत है, पैन कार्ड बनाने में कोई दिक्कत है, तो उसकी वो सहायता करेंगे। उन्होंने यही कहा है कि वो जो हैं MD साहब जो हैं हमेशा ही हर किसी के काम के आने वाले हैं, हर किसी को सहायता करने के लिए वो आगे बढ़े हुए हैं, और किसी का कोई नुकसान जो है यहाँ पर वो नहीं सह सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों उनके अच्छे विचारों का हम स्वागत करते हुए, और क्रिप्टो बिजनेस में हम अच्छा पैसा कमाने के लिए नेक इरादों से जो है किसी को हम ज़बरदस्ती ना करें, जिसकी इच्छा हो कि वो आने वाले प्रोजेक्ट्स में ज्वाइन करेगा और पैसा कमाएगा तो और आगे बढ़ेगा। तो साथियों आइए साथ बढ़ते हैं एक दूसरे को लेकर, कि वो कॉइन को जो है एक दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम सब एक होकर आगे बढ़ते हैं, और इसको एक ब्रांड के रूप में हम आगे ले आते हैं। नमस्कार साथियों, उन्होंने आगे कहा है कि उनको जो समाचार मिला है उनके एक सिस्टम से, वो ये है कि एक व्यक्ति के पास एक फ़ोन नंबर पर 13,888 अकाउंट खोले गए हैं, और ये इतनी संख्या जो है एक गांव की भी हो सकती है, एक तहसील की भी हो सकती है। तो इतना बड़ा समुदाय जो एक फ़ोन नंबर पर आ गया है, जो कि आगे चल के बहुत ही केंद्रीय सरकार के क्रिप्टो के बारे में जो कानून निर्णय बनाया गया है उसके हिसाब से वो बहुत ही गलत साबित होगा। उन्होंने आगे भी कहा है कि एक ही फ़ोन नंबर पर 2,000, 3,000, 5,000 इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है, और इन बेनामी अकाउंट से खतरा ये है कि कॉइन का रेट बहुत जल्दी गिर सकता है, जो किसी को पसंद नहीं है। और इस मामले में जो है MD साहब किसी को भी कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अगर परिवार में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं और सबके पास एक ही नंबर है,
तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड में जो नंबर दिया गया है उसी नंबर को आप दीजिए और आपका जो है नंबर वेरीफाई होगा और आप जो है सरकार के कानून के अनुसार बिल्कुल ही सही ठहरे जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आने वाले 100 साल बाद भी अपने कॉइन को वहाँ पर अपने वैलेट में पा सकते हैं और बेच सकते हैं। आपके कॉइन का कोई नुकसान वहाँ नहीं होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो अपने आप से लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे KYC करना बहुत ज़रूरी है सरकारी कानून के अनुसार, और सरकार को मालूम होना चाहिए कि आपके खाते में कितने पैसे आए और कितने गए हैं। इसका लेखा जोखा है सरकार जो है आपके KYC करने के बाद ही आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के आधार पर ही तय करती है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी छोटे बच्चे का जो खाता खुलना मुश्किल है, खाता नहीं खुलता है बैंक में, तो उनके माता पिता जो है गार्जियन के रूप में अपना खाता नंबर डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सरकार को भी यह मान्य है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि KTV, MyNews, KMobile, KDTH, OTT ऐसे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको ज्वाइन होना है। अगर कोई CEO या आपका सीनियर कहता है कि इसमें ज्वाइन होना ज़रूरी है, तो उसके बारे में जो है आप MD साहब को इतला कर सकते हैं, क्योंकि वो एक काउंटर ओपन कर रहे हैं जो 1 साल तक रहेगा। उस काउंटर में जो है फ़ोन लगाए होंगे और उन फ़ोन के जो है MD साहब खुद संभालेंगे और हर किसी कंप्लेंट को लेकर उसके अनुसार उसका उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि MyNews प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और जैसे इसके पहले भी कहा गया इसके बारे में, आपको जहाँ कहीं भी जो भी जरूरत पड़ता है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है, किसानों से बात करनी, किसान से बात कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को अगर आप खरीदना चाहते हैं वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये सब जो है जैसे हम गूगल में कर रहे हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल के बाद जो है अगर आप चाहें तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री रहेगा वो, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे मैंने ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ज्वाइन होने से ही यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे या फिर आपके पॉइंट्स हैं वो बर्न हो जाएंगे, ऐसा कोई कहता है तो गलत कह रहा है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आप अगर आज MyNews ज्वाइन नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए, 1 साल बाद फ्री हो जाएगा, सब ज्वाइन कीजिए। बाकी जो अभी रेफ़र कर रहे हैं उनका नॉन स्टेबल कैश कॉइन मिलेगा, और जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको नॉन स्टेबल कैश कॉइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ MyNews का जो प्रोग्राम है या और भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इच्छुक व्यक्ति उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई इसमें कंपलसरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है।